के बदले सनम दर्द दिल ले चुके तो दोस्तों आज आप सबके लिए फिर से एक स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों प्रीव्यू में आप सबने स्टेटस को तो देख लिया किस तरीके से स्टेटस एडिटिंग हुआ है, लिरिक्स इफेक्ट एंड फोटो इफेक्ट लगा के मैंने किस तरीके से सिंपल तरीके से आप सबके लिए स्टेटस को एडिटिंग किया है। ये वीडियो एकदम ध्यान से आपको लास्ट तक देख लेना है फ्रेंड्स। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जो भी बताऊंगा वो करना है फ्रेंड्स। आपका भी स्टेटस कुछ इस तरीके से स्टेटस एकदम बन के रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स बिना देरी के फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो आएगा उसको भी आप ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। तो इस तरीके का स्टेटस एडिटिंग करने के लिए एलाइड मोशन ऐप का जरूरत पड़ेगा। एलाइड मोशन ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने एलाइड मोशन ऐप का जो है लिंक वहां पे मैंने पिन कर दिया है, आप इजीली वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप सबको क्या करना होगा मैं आप ही धीरे धीरे आप सबको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलाइड मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओके, तो देख सकते हो मैं एलाइड मोशन ऐप को जो है ओपन कर रहा हूँ। आप सबको भी इसे धीरे धीरे जो है ओपन कर लेना है और आगे क्या प्रोसेस है मैं आप सबको समझा दूंगा। यहाँ पे थोड़ी देर लोड लेगा फ्रेंड्स, तो अभी ध्यान से देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन होके आ चुका है। इधर अभी आपको प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको सॉन्ग बीट मार्क एंड इफेक्ट, ओके, ये दोनों कैपिटल लेटर में मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है आपको देख लेना है और ये आपको लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो इन दोनों प्रोजेक्ट को, सॉन्ग बीट मार्क एंड इफेक्ट। ओके, ये दोनों प्रोजेक्ट आपका नाम से रहेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको सॉन्ग बीट मार्क जो रहेगा उसको आपको सबसे पहले ओपन करना होगा और कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। मैं आप सबको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो ध्यान से देखिए आपको सब कुछ समझ में जो है इजीली आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं बार बार बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप कॉमेंट करो कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं आप ध्यान से देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ तक आपका ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मेरा लोगो लगा है, इट्स एसआर जेड इट्स। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे जाके आप कोई सा भी अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे जाके, नहीं तो मेरा जैसा नाम है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, मेरा यही नाम रहने देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे एक बीट मार्क मिलेगा, इधर आ जाएगा। यहाँ पे लिरिक्स वगैरह मैंने इफेक्ट पहले से आप सबको तो पता ही है, मैं आप सबको ज़्यादा मेहनत नहीं कराता हूँ, बस थोड़ा बहुत मेहनत करके आप सबको स्टेटस एडिटिंग मतलब हो जाता है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक बीट मार्क मिलेगा, आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करोगे, मीडिया पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एक फ़ोटो ले लेना होगा। अगर आपका कोई अच्छा वाला फ़ोटो है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप ये फ़ोटो अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पहले भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो पे क्लिक किए, फोटो पे उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके इसे थोड़ा जूम कर लीजिएगा ताकि फोटो इधर उधर हिलने से भी दिक्कत ना आए। उसके बाद इसका लेयर भी लास्ट तक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना होगा और नीचे इस तरीके से सॉन्ग के ऊपर जस्ट इसे रख देना होगा कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हो यहाँ तक आपका इस तरीके से इफेक्ट लग गया, यहाँ तक इफेक्ट मैंने लगा के रखा था। उसके बाद आप सब क्या करोगे, यहाँ से एक बार आप बैक चले जाओगे। उसके बाद आपको इफेक्ट का जो मैं प्रोजेक्ट दिया रहूँगा यहाँ पे सिंपली आ जाना है। यहाँ पे फोटो मिलेगा, आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट्स दोनों इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क आपको फिर से रिटर्न आ जाना है, आपको अपना फोटो पे चल जाना है। यहाँ पे देख सकते हो फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट्स को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप तक लगभग आपके स्टेटस बन के रेडी हो चुका है। लगभग क्या फ्रेंड्स, पूरा ही तरीके से आपका स्टेटस एडिटिंग हो गया है फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने आप सबको प्रीव्यू में दिखाया था फ्रेंड्स, सेम टू सेम उस तरीके से आप सबके लिए एडिटिंग करके बता दिया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आप सबके लिए इस तरीके का वीडियो जो है रोज लाता रहता हूँ, इसी बात पर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसे अभी सेव करना नहीं आता गैलरी में तो ऊपर में इस एरो पे क्लिक करेंगे, वीडियो का राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, नहीं तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।